अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद दोस्त इलेक्ट्रिशियन। आप देख रहे हैं आबिद दोस्त यूट्यूब चैनल। जी प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूं। जी मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक और नई वीडियो का आगाज़ किया है। जी दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है USB के अंदर डाटे को कैसे डालना है और मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है डाउनलोड करने के लिए, और मोबाइल के अंदर हमने डाटे को कैसे भरना है। जी ये मोबाइल है, ये USB है, USB के अंदर हमने डाटा कैसे डालना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, हमको कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के बारे में आज की मेरी वीडियो है। जी दोस्तों, इसके साथ ये हमको एक चाहिए होगा कनेक्टर। इसी तरीके से लगाने के बाद में इस तरीके से इसको लगाएंगे, लगाने से मोबाइल के इसको लगा के इसमें से डाटा हमने कैसे भरना है और कौन सा हमने सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इसी में हम डाटा भर सकते हैं, डाटा मोबाइल से निकाल सकते हैं, USB से या YouTube से या फिर दोस्तों Facebook से हमने डाउनलोड वीडियो करके और USB के अंदर कैसे डालनी है, मोबाइल से क्या तरीका कर है कैसे। जी दोस्तों, ये है USB और ये कनेक्टर वगैरह खरीद करना पड़ेगा इसके USB के अंदर डाटा भरने के लिए मोबाइल के साथ कनेक्ट करके। जो कनेक्टर है मेरे पास, ये सैमसंग मोबाइल का है, सैमसंग को मोबाइल को ही लगेगा। ये एक और USB है, पेंटर है, इसके अंदर मोबाइल मेमोरी डाल के इस तरीके से कनेक्टर आगे सैमसंग वाला लगा के मोबाइल से का साथ कनेक्ट करके आप लोग जी डाटा भर सकते हैं। जी दोस्तों, ये इसका तरीकाकार है मोबाइल के अंदर से डाटा भरने का। जी दोस्तों, जो भी अभी नए मॉडल आ रहे हैं उनकी जे पिन चार्जिंग वाली बड़ी है, उसके लिए जे एक छोटा और छोटा सा कनेक्टर खरीद करना पड़ेगा। ये सैमसंग के आगे लगा के इसके पीछे फिर USB लग जाएगी। इस तरीके से भी आप मोबाइल के साथ डाटा भर सकते हैं। मोबाइल हर मोबाइल के अंदर ही तकरीबन USB का ऑप्शन होता है। जी दोस्तों, सैमसंग के अंदर भी ऑप्शन होता है। अभी मेरे हाथ में जो मोबाइल है सैमसंग है, सैमसंग के साथ ही मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। जो बड़े मॉडल का जो कनेक्टर है उसको उतार देंगे, निकाल के रख देंगे। जो सैमसंग वाला जो चार्जिंग का छोटा जैक है, इसी को ही अभी हमने लगाना है। इसी को सेटिंग करते हैं। करने के बाद में जी दोस्तों, लगाने से पहले हम इस मोबाइल की सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने का क्या तरीका है, गरारी सेटिंग को खोल के नीचे की तरफ आना है। जो आखिरी वाला हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, इसको ओके करना है। ओके करने से जी दोस्तों, जी आखिरी वाले को ओके करने से जो मॉडल नंबर हमारा नज़र आएगा, उसके नीचे वाली लाइन को हमने एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने से उसके बाद फिर जो मॉडल नंबर हमारा आएगा, उसके बाद हमने 5 से 7 बार क्लिक करना है। हमारा इसी तरह लिखा हुआ एक नया प्रोग्राम आ जाएगा। जी उसके बाद हम पीछे बैक आएंगे, इसमें से एक इसी लिस्ट के अंदर एक और नया सॉफ्टवेयर खुल गया है। जी उसके बाद हम ऊपर अगर ऑन बंद रहेगा तो हमने ऑन कर देना है। फिर नीचे हमारे USB का ऑप्शन आता है, USB के ऑप्शन को हमने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में जी दोस्तों, अभी हम पीछे बैक चलते हैं, हमारी सेटिंग USB की हो गई है। हम अभी इसी कनेक्टर को लगाते हैं, हमारा फौरी इंशाल्लाह हमारा जो USB का कनेक्ट मोबाइल के साथ हो जाएगी। जी इसी थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद में हमारी USB जी माशाल्लाह देख सकते हैं कनेक्ट हो गई है बहुत ही ज़बरदस्त और सही तरीके से। जी इसी तरीके से आप लोग मोबाइल से जितना भी अभी डाटा रहेगा, तस्वीरें वगैरह और वीडियो वगैरह जितनी भी रहेगी, आप इस USB के अंदर मोबाइल से डाल सकते हैं। जी जी दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए क्या ऑप्शन चाहिए, आप लोगों ने VidMate को डाउनलोड करना है, गूगल क्रोम पे जाके प्ले स्टोर पर नहीं डाउनलोड करना, जो हमारा लिखा रहेगा बेहतरीन VidMate YouTube जो लिखा रहेगा उसी को हमने डाउनलोड करना है। और भी बहुत सारे VidMate आए हैं, हमने किसी को डाउनलोड नहीं करना, जो हमने लिखा है बेहतरीन VidMate YouTube जो हमने लिखा है इसी को डाउनलोड करने पे हम लगा देते हैं। ये बेस्ट और ज़बरदस्त ये हमारा ऐप है, इसके अंदर मोबाइल से आप बहुत ज़बरदस्त सही तरीके से Facebook से भी और YouTube से भी आप वीडियो डाउनलोड, ऑडियो वीडियो दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा VidMate भी डाउनलोड हो गया है। हम यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद में फिर हम इसको खोल पाएंगे, इतने में हमारा जो खुलेगा नहीं, जहाँ से हमारे पहले वाले दूसरे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हमारे दूसरी ऐप नज़र आती वहाँ से जे भी नज़र आएगा अनइंस्टॉल करने के बाद में। जी दोस्तों, अभी हमारा अनइंस्टॉल हो गया है, हम अभी इसी को खोलते हैं।
खोलने के बाद में जी थोड़ा सा वेट लगेगा, पहली बार खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर जे एक बार खुल जाए फिर हर बार जल्दी से जल्दी खुलता रहेगा जी। दोस्तों अभी कार्ड का ऑप्शन मांग रहा है, कार्ड पे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में इस तरीके से हमारी वीडियो खुल जाएगी विडमेट के अंदर जी। दोस्तों इस तरीके से आप विडमेट से कोई भी वीडियो वगैरह बड़ी छोटी डाउनलोड कर सकते हैं जी। दोस्तों जो फिल्में वगैरह है बड़ी से बड़ी, हम इसी को डाउनलोड नहीं करेंगे, हम यहाँ से गाने का लिख देंगे, खाली बस गाना ही लिखेंगे, हमारे छोटे बड़े जो भी कोई गाने आ जाएंगे वो किसी को भी हम एक को डाउनलोड करके आपको USB के अंदर डाटा डाल के दिखा देंगे जी। दोस्तों देख सकते हैं जी बहुत सारे और गाने भी आ गए हैं, जितनी भी वीडियो है इसमें से जो छोटी वीडियो एक राहत अली खान की है, हम इसी को डाउनलोड करके देखते हैं जी। दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए जिस साइड से तो तीर का निशाना आया है जो लाल नज़र आ रहा है, आप लोगों ने अगर इसी को डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करना है। अगर और इसी की दूसरी वीडियो की कोई और देखनी है तो नीचे इसकी जो लिस्ट पट्टी नज़र आ रही है इसमें से एक और कोई छोटी वीडियो को जो वीडियो छोटी है इसको हम डाउनलोड करने के लिए तीर पे क्लिक करेंगे। तीर पे क्लिक करने के लिए फिर एक और लाल तीर आएगा, यहाँ से हम क्लिक करेंगे जी। दोस्तों देख सकते हैं हमारे ऑडियो वीडियो दोनों नज़र आ रही है, हमारे ऊपर ऑडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, नीचे हमारी वीडियो का ऑप्शन है, हम फिलहाल वीडियो को डाउनलोड करेंगे जी। दोस्तों यहां से हम वीडियो पे डाउनलोड लगा देंगे, हमारी वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं जी। दोस्तों हमारी वीडियो डाउनलोड हो रही है, हम थोड़ा सा इसका वेट करते हैं, हमारी जो वीडियो हमने राहत अली खान की जो वीडियो डाउनलोड पे लगाई है जी हमारी डाउनलोड हो गई है। हम अभी इसी को बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद में मोबाइल के डाटे के अंदर जा कर देखते हैं जी हमारी वीडियो जो अभी हमने डाउनलोड की है वो कहाँ पड़ी है जी। जे हमारा कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ से हमारा मेमोरी कार्ड अंदर नहीं, मोबाइल के डाटे में देखेंगे, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, जे वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो पर क्लिक करके देखते हैं कहाँ है जी। दोस्तों जे हमारी वीडियो डाउनलोड पे जो हमने की थी वो यहाँ पे पड़ी, यहाँ से क्लिक करने के बाद में तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर आखिरी में हमने क्लिक करने के बाद में USB का नीचे ऑप्शन आ गया है, इनमें से जो फोल्डर के ऊपर हमने गाने लिखे देख सकते हैं दोस्तों खाली है, इसी के अंदर ही हम डाल देते हैं जी। एक सेकंड के अंदर ही हमारी ट्रांसफर हो गई है USB के अंदर हमारी जो वीडियो जी। दोस्तों देख सकते हैं जो हमने डाउनलोड की थी यहाँ जे पड़ी है, अभी हम इसी को चला के भी देख सकते हैं जो देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त USB के अंदर आप इस तरीके से मोबाइल से डाटा डाउनलोड करके डाल सकते हैं। अगर पहले आपका मेमोरी के अंदर कार्ड के अंदर या मोबाइल के डाटे के अंदर पड़ा रहेगा तो वो भी आप USB के अंदर निकाल सकते हैं, ऑडियो वीडियो जो भी पिक्चर तस्वीरें वगैरह जो भी रहेगी जी। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से जे मोबाइल से USB के अंदर डाटा भर सकते हैं जी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, जो दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया बेल के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, जब तक के लिए कहते अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।